जय श्री राम दोस्तों, कैसे? तो आज एक स्पेशल दिन है। आज अपन का बर्थडे, इट्स माय बर्थडे टुडे। एंड देखते हैं अभी आज का क्या प्रोग्राम रहेगा। और आई डोंट नो, मतलब फ्रेंड्स कुछ प्लान नहीं किया है, बट स्टिल एक जगह सुबह सुबह जाने का है। एंड मैं फ्रेश होके सीधा ही आपको वहीं पे मिलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। रेडी होते हैं और सीधा निकलते हैं वहाँ पे। तो गाइस, चाय भाई पी ली, बैठ लिए, दोस्तों नहीं बोले, दोस्ती बोलेंगे एक तरह से भी, और सीनियर भी बोलेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। और काफ़ी अच्छा रहा, चर्चा हुई काफ़ी चीज़ों पे। अभी बस हम घर जा रहे हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन्स भी आए हैं, सबसे बात करनी है और रेडी भी होना है। चलिए तो मिलते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मिस्टर तोमर। गाइस, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस जगह जो गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में ये फेमस है, बिकॉज बाद में बताऊंगा। तो देखते रहिए पूरा चैनल, और गाइस इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस, ऑल डन, शूज पहन लिए, अब यहाँ से जाएंगे हम शर्मा अंकल के घर, वहाँ से उनको पिक करेंगे, और फिर वहाँ से मनीष जी के यहाँ पे जाएंगे, फिर उनकी कार लेके फिर हम लोग उस प्लेस पे चलेंगे। हेलो शर्मा अंकल, हम लोग आ गए शर्मा अंकल जी के घर, अब इनको लेके चलते हैं मनीष जी के यहाँ पे। सब लोग ब्लॉगिंग चैनल में आ जाएंगे। मेरा यंग से भी बदमाश है। अभी गाड़ी लेने जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी है इनकी? पचानवे छत्तीस, ये रही 55 36। चले चले चले, बैठिए बैठिए, जनधन में जा रही, जनहित में जा रही, सब बैठ जाएंगे। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी बाबू काका बाटली। बैठ गए तुम लोग? एक तो रह गया अभी, वो भाभी का ऑर्डर लेने गया है। तो वो गेट बंद कर दीजिए, गेट बंद कर दो, चलो थोड़ी दूर चल पड़ो, अपना भागे भागे अपने आते ही। आप तो पता नहीं क्या क्या सोचते हो बैठने में। भाव का क्यों नसीब मरे हमने नहीं मिला। अरे सुन, नहीं वो तुमने समझाई गई तुमने ना अपन। गाइस, हम लोग डबोड़ा हनुमान जी पहुंच चुके हैं, और काफ़ी अच्छा पार्किंग सिस्टम है यहाँ पे। गांधीनगर से अराउंड 18 किलोमीटर पड़ता है, और चिलोड़ा से अगर आप आते हैं तो चिलोड़ा से कुछ 5 किलोमीटर का डिफरेंस है वहाँ पे। और आप चिलोड़ा से भी होके आ सकते हैं, और गांधीनगर से अगर आप हो रहे हैं तो फिर गिफ्ट सिटी के थ्रू भी आ सकते हैं। काफ़ी, मतलब हम लोग गिफ्ट सिटी के वहाँ से आए थे रोड से, तो काफ़ी अच्छा, मतलब ज़्यादा भीड़ भीड़ नहीं थी।
चलिए अब दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं यहाँ का, और काफ़ी अच्छा व्यू सिस्टम भी, काफ़ी अच्छी चीज़ें का है। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ। बोला जब पैर में चढ़ा सुगड़ी चढ़ाने की नहीं। गाइज़ यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है, ठीक है, मैं गुजराती में इसको सुखड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे सुखड़ी किससे बनती है? बाजरे से। सुखड़ी? हाँ, बोले पता ही नहीं। गेहूँ से। तो यहाँ पे सुखड़ी का प्रसाद मिलता है मेनली, जनरली मेनली यहाँ पे सुखड़ी से का प्रसाद मिलता है। और हाँ, आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। गाइस दर्शन तो हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। अभी देखते हैं थोड़ा आजू बाजू, और भी जैसे राम जी का मंदिर है और शनि देव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे गरबे होते हैं रात को। राम जी मंदिर और ये राम जी का मंदिर है, यहाँ पे राम जी बैठे हुए हैं, कृष्ण भगवान और राधा जी, गणेश जी, क्या बात है, काफी शानदार। चलो गाइस दर्शन हो चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। दर्शन हो चुके हैं,
और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी शांति थी यहाँ पे। जनरली क्या होता है कि मोस्टली भीड़ हो जाती है, बट आज और शांति से, बहुत शांति से दर्शन हुए हैं और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अभी फॉर द बैठ के हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है घर से, जैसे मैंने आपको कहा कि गांधीनगर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, और अगर आप चिलोड़ा साइड रहते तो 5 से 6 किलोमीटर के अराउंड दूर पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है।